हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक पर हट एंड आई होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले रियलमी नार्जो 50 के बारे में। ये फोन अभी यानी 24 फरवरी को रिलीज हुआ है और इसकी फर्स्ट सेल हमें मार्च 3 को अमेजोन पे देखने को मिलेगी, स्पेशली अमेजोन पे। तो ये फोन वेल खास क्यों बन जाता है, क्योंकि जो इसका प्राइस पॉइंट है वो 15,000 रुपए के अंदर है, एक तो पहली बात ये। दूसरी बात की इस जैसे हमें 15,000 के अंदर दो तीन फोन और देखने को मिलते हैं, तो जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं कि हमें नार्जो 50 लेना चाहिए या फिर और दूसरे फोन लेने चाहिए, और क्या ये सच में वैल्यू फॉर मनी फोन है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको इस वाली वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, अब किस और चीज का वेट कर रहे हो। तो जो फोन हमें इस सेम प्राइस पॉइंट पे कंफ्यूज कर रहे हैं वो Xiaomi Redmi Note 11 है, जो कि MI की तरफ से आता है, और दूसरा फोन हमें Realme की तरफ से कंफ्यूज कर रहा है, Realme 8i। तो ये दोनों फोन कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, Realme Narzo 50 हमें बाय करना चाहिए या फिर वो दोनों बाय करने चाहिए। तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो अगर सबसे पहले हम Realme Narzo 50 के बारे में बात करें, क्योंकि उसी पे ये वीडियो डेडिकेटेड है, तो हमें इस फोन के अंदर IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। वहीं कहीं अगर आप Redmi Note 11 लोगे, हमें यहाँ पे AMOLED के साथ 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसे AMOLED डिस्प्ले यूज करती है 90 हर्ट्ज में या फिर IPS LCD उसके लिए ओके है 120 हर्ट्ज में, अगर उसे गेमिंग अच्छी करनी है। तो डिस्प्ले साइज जो है Narzo 50 का वो 6.6 इंचेस रहने वाला है, जो कि स्टैंडर्ड साइज है डिस्प्ले का। वेट एंड बिल्ड की अगर बात कर लें Narzo 50 की, तो वेट 194 ग्राम है, जो कि कुछ मैं ज्यादा भी नहीं कहूंगा और कुछ ज्यादा कम भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हमें Redmi Note 11 में 179 ग्राम वेट देखने को मिलता है, जो कि 10-20 ग्राम Narzo 50 से कम है। तो ये अब आप खुद देख लो कि आपको थोड़ा हल्का फ़ोन लेना है या फिर Narzo 50 लेना है। फ्लैट फोन की बात करें तो जी हाँ, दोनों ही सेम ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे आते हैं। Redmi Note 11 तो काफ़ी पहले रिलीज हो गया था, तो उस पर इतनी दुख नहीं होगा, लेकिन अभी तो प्रॉपरली Narzo 50 रिलीज भी नहीं हुआ और हमें ये Android 11 पे मिल रहा है। ये काफ़ी बुरी बात है कि अभी भी फोन Android 11 पे आ रहे हैं, जबकि Android 12 रोल आउट कर चुका है सही से और अदर ब्रांड के मोबाइल्स में, और Realme UI 2.0 पे फोन वर्क करेगा। इस फोन के अंदर हमें जो CPU देखने को मिलेगा यानी चिपसेट देखने को मिलेगा, वो MediaTek का Helio G96 है, जो कि 12nm के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। और वहीं कहीं अगर मैं Redmi की बात करूं, तो हमें उसके अंदर Snapdragon 680 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। दोनों ही प्रोसेसर 4G है, बट Note 11 वाला 6nm के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, यानी थोड़ा पावर एफिशिएंट होगा, और MediaTek वाला 12nm के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, यानी इतना पावरफुल नहीं होगा बट परफॉर्मेंस हमें अच्छी निकाल के देगा। GPU Narzo 50 में हमें Mali G57 MC2 देखने को मिलेगा, जो कि एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है पबजी खेलने के लिए और गेमिंग के लिए। Narzo का जो था ये इसलिए ही था Realme का कि कम बजट के अंदर हमें अच्छी गेमिंग वाले फोन Realme प्रोवाइड कर पाए, और साथ ही साथ पहले तो गेमिंग पे पॉइंट ऑफ व्यू रहता था, बट अब इस फोन का कैमरा भी काफी अच्छा हमें डे टू डे देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिल रहा है, उसमें से बस एक ही कैमरा काफी अच्छा वर्क कर रहा है, जो कि 50 मेगापिक्सल का है मेन कैमरा, और दो जो फालतू के कैमरे मैक्रो और डेप्थ कैमरे दो मेगापिक्सल के, जिनका कोई पॉइंट भी नहीं बनता। तो जो 50 मेगापिक्सल वाला कैमरा है ट्रिपल कैमरा में, वो काफी अच्छा वर्क कर रहा है, फुटेज हमें अच्छी दे रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग आप 1080p कर पाओगे 30fps से 120fps तक, 4K का सपोर्ट नहीं है। सेल्फी हमें 16 मेगापिक्सल की देखने को मिलेगी, और जिसके अंदर डिटेलिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी नाइट में भी और डे में भी। साउंड की अगर बात कर ले तो हमें लाउड स्पीकर Narzo 50 में देखने को मिलेगा, स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट फोन में नहीं है, और हमें इस प्राइस पॉइंट के अंदर स्टीरियो स्पीकर मिल ही जाना चाहिए था। 3.5mm का जैक फोन के अंदर अवेलेबल है, जो कि काफी अच्छी बात है। और अच्छा, ये जो Narzo 50 है ये 4G फोन है ना कि 5G, तो ये भी आप बात ध्यान में रखना बाय करने से पहले। ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है, और मेमोरी एंड स्टोरेज टाइप की बात करें तो हमें दो वेरिएंट में फोन देखने को मिलेगा, 64GB स्टोरेज विद 4GB रैम, 128GB स्टोरेज विद 6GB रैम, और रैम टाइप जो हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगी वो UFS 2.1 है, तो रीड एंड राइट स्पीड उससे आपकी काफी अच्छी हो
जाएगी ओवरऑल। तो फ़ोन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बढ़िया था, लाइक अभी तक जो भी हमने इस फ़ोन के बारे में जाना वो काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है। और बैटरी डिपार्टमेंट भी फ़ोन की अच्छी रखी गई है क्योंकि परफॉर्मेंस CPU जो है 12 NM के आर्किटेक्चर पे, तो इतना पावर एफिशिएंट CPU तो नहीं है एज़ कम्पेयर टू रेडमी। और जो बैटरी हमें इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगी वो 5000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है और फास्ट चार्जिंग भी 33 वोल्ट, और यही सेम बैटरी हमें रेडमी नोट 11 के अंदर भी देखने को मिलेगी। दो कलर्स में नार्ज़ो 50 अवेलेबल होगा मार्च 3 से, एक तो स्पीड ब्लू और स्पीड ब्लैक, नॉर्मली ब्लू ब्लैक हम इसे बोल सकते हैं। रियलमी नार्ज़ो 50 हमें दो प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलेगा, एक तो 12,999 रुपये और 6 GB रैम 128 GB वाला हमें मिलेगा 15,499 रुपये। तो अब कंसर्न ये उठता है कि हमें रियलमी नार्ज़ो 50 लेना चाहिए या फिर रेडमी की तरफ से आने वाला नोट 11 लेना चाहिए। वेल, अगर आपको डिस्प्ले एमलेट चाहिए और हाईर रिफ्रेश रेट से इतना कुछ मतलब नहीं है और थोड़ा पावर एफिशिएंट फ़ोन चाहिए लेकिन जिसकी माइल्ड सी परफॉर्मेंस हो, ज़्यादा गेमिंग आपकी करवा दे लेकिन ज़्यादा हीट भी ना हो, तो आप रेडमी नोट 11 ले सकते हो। बट नहीं, आपको थोड़ा सा 15,000 के अंदर बजट में थोड़ा अच्छा गेमिंग फ़ोन चाहिए तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप नार्ज़ो 50 की तरफ जा सकते हैं। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे कि आपको बताया था, मैं दो फोन्स के साथ नार्ज़ो 50 को कंपेयर करूँगा और सिर्फ मैंने वीडियो में आपको Redmi Note 11 से कंपेयर करा है, क्योंकि जो तीसरा फ़ोन मैंने बताया था Realme 8i, उसके बारे में मैंने इतनी बात इस वीडियो में इसलिए नहीं करी क्योंकि वो बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट है, यानी रीनेम्ड कह सकते हैं हम नार्ज़ो 50 का। बस उसके अंदर हमें 16 वोल्ट की चार्जिंग देखने को मिलती है फास्ट चार्जिंग, और इसके अंदर 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा दोनों फ़ोन में कोई भी डिफरेंट बात नहीं है, इसलिए मैंने उसके बारे में इतना कुछ बताना आपको सही नहीं समझा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।